नमस्कार, मैं हूं मनीषा चोला। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। कपिल मिश्रा का आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी। कपिल मिश्रा ने कहा, अरविंद केजरीवाल सच छुपाने के लिए मुकेश शर्मा को लेकर आए, साथ ही 2 करोड़ वाले वीडियो से सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक हवाला के पैसों पर जवाब नहीं मिला है। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में आया अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला जाधव को न्याय दिलाने की दिशा में पहला अहम कदम है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक जाधव सुरक्षित है। ICJ से कुलभूषण सुधीर जाधव की फांसी के मामले में करारी शिकस्त मिलने के बाद पाकिस्तान की मीडिया ने अपनी सरकार को जमकर लताड़ लगाई, साथ ही ICJ की भी कड़ी आलोचना की। दक्षिण गोवा के कुरचेरम शहर में सनवोरदेम नदी पर बने पुराने पुल के गुरुवार शाम को ढह जाने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोगों को बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस बात की जानकारी दी। झारखंड स्थित लोहा नगरी जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के नगाड़ी में ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के अफवाह में 4 लोगों को जमकर पीटा। इसे 3 युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे टाटा मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में भोजपुर के कोइलवर थाने में पानी की किल्लत से सभी पुलिस स्टाफ परेशान है। बता दें, थाने में एक सिपाही से लेकर थानाध्यक्ष को पानी बाहर दूर जाकर पीने जाना पड़ता है। वही थाने में लगी आधा दर्जन नल खराब पड़े हुए हैं। जब हमारी टीम ने थाने के चौकीदार से पूछा तो उन्होंने बताया कि सालों से ये नल बंद पड़े हैं और थाने के बड़े बाबू से बार बार बोलने के बाद भी ये नहीं बनवाए गए। भोजपुर के अगियो बाजार थाना क्षेत्र से 11 मई को घर से अपहृत युवती आरा से बरामद की गई। बरामद युवती को पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए आरा सदर अस्पताल पहुंचाया। बता दें, इस मामले को लेकर युवती के परिजनों ने स्थानीय थाना में गांव के ही 5 लोगों पर लड़की के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। वहीं इस मामले में जब युवती से पूछा गया तो युवती ने बताया कि वो अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हुई थी, जहां उसके अपने प्रेमी से मंदिर में शादी रचाने की बात कही जा रही है। आरा में तियर थाना क्षेत्र के अरेला गांव में 7 दिन पहले हुई मारपीट के बाद घायल युवक की पटना PMCH में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले पर मृतक के परिजनों ने महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को आरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। आरा में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भीम यादव को अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से निलंबित कर दिया। छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव ने प्रेस रिलीज जारी कर बड़ी कार्रवाई की। वहीं भीम अगले आदेश तक पार्टी से निलंबित रहेंगे। आरा में आगामी 27 तारीख को होने वाले धरने को लेकर पीर बाबा मोड़ पर जदयू कार्यालय में युवा जदयू की बैठक की गई, जिसमें धरने को लेकर अंतिम रूप दिया गया। अमेरिका में पिछले हफ्ते जरूरी आवेदन दस्तावेज न होने के कारण हिरासत में लिए गए एक 58 साल के भारतीय की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक उनकी हिरासत के दौरान ही अटलांटा हॉस्पिटल में मौत हो गई। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस CS कन्नन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से 6 महीने की सजा सुनाए जाने के फैसले को निलंबित करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। ये दावा कोलकाता हाईकोर्ट के जज CS कन्नन की पैरवी कर रहे वकीलों ने किया है। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड कदम के तहत नेपाल में निवेश के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल के परिवहन मंत्री रमेश लेखक ने चीनी समकक्ष ली शिया ओपेंग को प्रस्ताव दिया था। उसके मुताबिक नेपाल के सीमावर्ती इलाकों को सड़क और रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए। बता दें कि पिछले रविवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वन बेल्ट वन रोड फोरम का उद्घाटन किया था। केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे का मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा और तवा नदी के संगम बाद्राबान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें, गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से 68 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। वे काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। अमेरिका ने सीरियाई फौजों पर पहली बार वॉर प्लेन से हमला किया। बताया जा रहा है कि सीरिया ने अमेरिकी वार्निंग को नजरअंदाज किया था। अप्रैल में सीरिया में गैस लीक हादसे में 100 लोग मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका ने एक एयरबैग को निशाना बनाकर 59 टोमाहॉक मिसाइलें दागी थी। महिला प्रधान US सर्टिफिकेट प्राप्त महान पारिवारिक भोजपुरी फिल्म बहुरानी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में सफल प्रदर्शित होने के बाद अब मुंबई और गुजरात से आज से प्रदर्शित की जा रही है। मुख्य भूमिका में भोजपुरी स्टार शुभम तिवारी और अंजना सिंह की रोमांटिक जोड़ी है। वहीं खलनायक बालेश्वर सिंह खोखार लुक में दर्शकों के बीच अलग अंदाज में नजर आएंगे।
पर्दे पर तमाम तरह के किरदार निभा चुके अमिताभ बच्चन अब उम्र का शतक लगा रहे हैं। बिग बी अपनी अगली फिल्म 102 नॉट आउट में 102 साल के बुजुर्ग का रोल निभा रहे हैं, जबकि बेटे के किरदार में है ऋषि कपूर जो 75 साल का रोल निभा रहे हैं। दोनों का फर्स्ट लुक जारी किया गया है। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ को हॉलीवुड की एक्शन फिल्म रैम्बो के इंडिया रिमेक के लिए फाइनल कर दिया गया है। इस रेस में ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी थे, लेकिन बाजी टाइगर श्रॉफ ने मार ली है। बता दें, रैम्बो में सिल्वेस्टर स्टैलोन मुख्य भूमिका में थे। इस हिंदी रिमेक को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे। मेरे साथ खबरों फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।